देश के अलग अलग हिस्सों में हादसों से कहर जारी है। गुजरात के राजकोट में गेम जोन में भीषण आग से अब तक 28 लोगों की मौत हो गई, वहीं फिलहाल रेस्क्यू जारी है। दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में आग लगने से अब तक 7 नवजात की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बस और ट्रक से भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में हादसों से कहर जारी है। गुजरात के राजकोट की अगर बात करें तो देखिए किस तरीके से गेम जोन में भीषण आग लगी है। इस आग में अभी तक 28 लोगों की मौत हो गई है, और न सिर्फ मौत हुई है बल्कि आपको बताएं तस्वीरें इतनी बेभत्स हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं, तस्वीरें देखते नहीं बन रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि लगातार जारी है। गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग से अब तक 28 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर को गिरफ्तार कर दिया है। गुजरात सरकार भी एक्शन में दिखाई दे रही है। आज सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। वहीं इससे पहले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी घटनास्थल पर कल रात से ही मौजूद हैं। अग्निकांड की शुरुआती जांच में कई तरह की खामियां सामने आई हैं। वहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया। गुजरात सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। राजकोट गुजरात में जो घटना घटी है पूरा देश दहल गया है, क्योंकि हादसे में 28 लोगों की मौत की जानकारी आ गई है। मौत भी ऐसी दर्दनाक कि किसी की भी रूह कांप जाए। तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं कि हर कोई विचलित हो जाए। मृतकों के परिजनों को हालांकि 4-4 लाख की आर्थिक मदद जरूर मुहैया कराई जा रही है, लेकिन ये जो दर्द जिंदगी भर का इस अग्निकांड में उन परिवारों को मिला है शायद वो भुलाए से भी ना भूले। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज पहुंच रहे हैं, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री हर्ष संघवी कल से ही मौके पर मौजूद है और घटना की जानकारी ले रहे हैं। बड़ी अपडेट, गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में भीषण आग से अब तक 28 लोगों की मौत की जानकारी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, देखिए किस तरीके से पहले गेम जोन में आग लगी, राजकोट में यह अग्निकांड हुआ, लेकिन पहली तस्वीर जब आप देखेंगे आज सुबह की तस्वीरें हैं, जबकि लोगों का वहां पर मजमा लगा हुआ था, जमावड़ा लगा हुआ था ये जानने के लिए कि वहां पर हालात क्या है। जैसे तैसे पुलिस ने इस पूरे अग्निकांड पर काबू पाया, लेकिन दुख इस बात का है, मलाल अफसोस इस बात का है कि 28 जिंदगियां ये अग्निकांड लीड ले गया। पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक को और साथ साथ मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। गुजरात सरकार भी एक्शन में दिखाई दे रही है। आज सुबह गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। वहीं इससे पहले गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी घटनास्थल पर कल रात से ही मौजूद हैं, डटे हुए हैं। अग्निकांड की शुरुआती जांच में कई तरह की खामियां सामने आई हैं। वहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताया है, लेकिन सवाल यह है कि जब गेमिंग जोन था, जिसका मतलब है बच्चों की, मासूम बच्चों की मौजूदगी, जिन्हें आग, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजों की समझ नहीं होती है, ऐसे में सवाल यह भी कि क्या सेफ्टी मेजर जो थे वहां पर अपनाए जाने थे वो नहीं अपनाए गए गेमिंग जोन की वजह की ओर से। गुजरात सरकार ने हालांकि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सवाल यही है कि इतना भीषण अग्निकांड कैसे हो गया, और क्योंकि गेमिंग जोन था तो ऐसे में सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए थी, क्योंकि मासूम बच्चों की मौजूदगी वहां थी। गुजरात का राजकोट उस हादसे का गवाह बना जिसने मासूमों की चीखों, मातम के शोर और सिसकियों को खामोश होते देखा, जिसने सुनी है आह भरते बच्चों की चीखें, महसूस किया है कराहते बच्चों का दर्द, आग से झुलसते देखे हैं धड़ और दफन होते देखे हैं शव। ये वो राजकोट है जहां अग्निकांड के बाद मौत, दर्द और चित्कार ने सभी को दहला कर रख दिया है। टीआरपी गेम जोन में धधकती इस आग ने अब तक 27 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। कई लोगों के शव अब तक गेम जोन के मलबे में दबे हैं। आग से झुलसे शवों की हालत ये है कि परिवार वाले पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आग से खाक हो चुके शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। शनिवार को शाम करीब 4 बजे थे गेमिंग जोन में बच्चों की बड़ी तादाद मौजूद थी। दावा है कि तभी शॉर्ट सर्किट से निकली एक चिंगारी ने गेमिंग जोन के इस इलाके को झुलसाना शुरू कर दिया। जब तक गेमिंग जोन प्रशासन कुछ समझ पाता, देखते ही देखते गेमिंग जोन आग की लपटों से घिर गया
और राजकोट के इस इलाके में शोर और चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन गेमिंग जोन में फाइबर और टायर में लगी आग ने थमने का नाम नहीं लिया। चौकस अभी आग नहीं मिला है, मैं भी ऊपर कामगिरी में था। ये किस प्रकार का रेस्क्यू था, इससे पहले राजकोट में आग भी था? राजकोट में ये पहला बना हुआ है, ऐसा कभी रेस्क्यू नहीं हुआ था। अंदर आपने कितना लोगों ने अंदर से बाहर कर दिया? अभी कितने हो गिनती नहीं हुई। मैं ये साइड था, वो साइड, दोनों साइड से बॉडी नीचे उतार रहे थे। मैं 26 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ, अब फायर स्टेशन ऑफिसर का ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर ये पहला कॉल ऐसा था। कितना लोगों ने ही थी अंदर से बाहर? अभी कितने लोग निकले उसका गिनती नहीं हुआ, चौकस हम नहीं कह सकते। गेमिंग जोन में हुए इस अग्नि तांडव का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दमकल कर्मी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में इस हद तक मचे अग्निकांड को कभी नहीं देखा। आग की तपिश ऐसे समझिए कि कई शवों की हालत ऐसी है कि उनकी पहचान करना तक मुश्किल हो गया है। बिलखते परिवारों के दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अग्निकांड के बाद गेमिंग जोन में एक तरफ आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, दूसरी तरफ गेमिंग जोन से लाशों की कतार निकल रही थी। कतार भी ऐसी कि लाशों को ढकने के लिए कफन तक कम पड़ गए थे, तो आसपास के लोग अपने घरों से चादर लाकर आग से झुलसे जिस्म के उन चीथड़ों को ढकने लगे जो कुछ वक्त पहले तक गेमिंग जोन में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे थे। अग्निकांड मामले में पुलिस ने गेमिंग जोन के मालिक युवराज सिंह सोलंकी और उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ पे जो दुखद घटना बनी है उसके तहत पुलिस द्वारा अभी कार्रवाई चालू है और यहाँ का जो मालिक हैं और मैनेजर हैं उनको पुलिस स्टेशन में अभी पूछ परछ के लिए ले गए हैं। किस प्रकार का गुनाह उनके सामने दाखिल है? अभी नेग्लिजेंस का है गुनाह, और बाकी इसमें अभी आगे जो फायर सेफ्टी वाले हैं उनके जो रिपोर्ट आएंगी, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर से आगे की कार्रवाई नक्की की जाएगी। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। अग्निकांड में झुलसे लोगों को राजकोट सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आग इतनी विकराल थी कि इसकी लपटों को आसपास के घरों तक महसूस किया गया और गेमिंग जोन से निकल रहे धुएं को 1 किलोमीटर दूर से देखा गया। फिलहाल मामले को संज्ञान में लेते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता का ऐलान किया है। और राजकोट अग्निकांड में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दावा है कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। मामले में गेमिंग जोन के मालिक और मैनेजर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शुरुआती जांच में यह पता चला कि बिना फायर एनओसी के गेमिंग जोन चलाया जा रहा था। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से तबाही बर्बादी की तस्वीरें हैं। चीखों पुकार के बीच में किस तरीके से तमाम जिंदगियां खुद को बचाने की कोशिश कर रही होंगी, लेकिन लापरवाही की वजह से इन 27 लोगों की जान चली गई। क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि बिना एनओसी के ही इस गेमिंग जोन को चलाया जा रहा था। 27 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। गेमिंग जोन में एसआईटी इस वक्त मौजूद है, जांच कर रही है। मैनेजर और मालिक को गेमिंग जोन के गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताया कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, तमाम बड़े नेताओं ने इस पर शोक प्रकट किया है। वहीं मौके पर कई मंत्री मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्ष संघवी की अगर बात करें तो कल से ही मौके पर मौजूद हैं वो, और वकीलों का बहिष्कार किया गया है। केस लेने से इस लापरवाही पर वकीलों की ओर से बायकॉट किया गया। और सहयोगी हार्दिक जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हार्दिक, वहां पर फिलहाल हालात क्या हैं और क्या कोई ऐसा घायल भी बचा है जो कि अस्पताल में भर्ती हो, उसकी हालत कैसी है? घायलों की बात की जाए तो काफ़ी लोग हैं जो अभी खानगी हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल में जो सारवार ले रहे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ का सीन नज़ारा है, जो गेम जोन था, जो कार थी कल यहाँ पे जो चल रही थी, लेकिन आज जो है वो बची हुई है। ये गेम जोन था कि यहाँ पे कल जो हादसा हुआ
अभी की जो बात की जाए तो राजकोट जो गेम जोन था वहाँ पे वो बड़ा हादसा हुआ, 28 लोगों ने अभी इस घटना में जान गंवा दी है, अभी मृत्यु आंक है वो बढ़ सकता है। कुछ ही देर पहले गुजरात के सीएम है वो यहाँ पे पहुँचे थे, उसने ये सभी छोटी की छोटी बाबत से वो जानकारी ली थी। मैं यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको दिखाने का कैमरामैन से विनती करूँगा। यहाँ पे अभी 6 जेसीबी मशीन है जिसके चलते यहाँ पे जो है अभी काम चल रहा है, काफ़ी जो काट माल है वो हटाने का काम चल रहा है। और यहाँ पे आप जिस तरीके से आप यहाँ पे जो दृश्य देख सकते हो, यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, खूब दहलाने वाला था। कल यहाँ पे बहुत बड़ा TRP गेम जोन था लेकिन अभी वो काट माल में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे कल लोग थे वो है वो खेल रहे जो गेम जोन में खेल रहे थे, लेकिन अभी कल खुशी जो लोग मना रहे थे वही लोग अभी यहाँ पे मातम मना रहे हैं, क्योंकि उसके परिवार ने किसी ने बच्चा खोया, किसी ने माँ खोई, किसी ने बेटा खोया। ये जो हादसा हुआ है बहुत बड़ा हादसा है राजकोट में, इसके पहले इतना बड़ा हादसा कि जिसमें बच्चे की 10 बच्चे की जान गई हो, इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है, पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ है। पूरा गुजरात इस वक्त सदमे में है। आप यहाँ का जो नज़ारा भी देख सकते हैं और यहाँ का जो उसमें भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से राजकोट में अभी जो गुजरात के जो CM है वो यहाँ पे पहुँचे थे, उसने भी छोटी की छोटी बात की जानकारी ली है। एक सीट की भी रचना की गई है, उसमें दोषितों के करीब खिलाफ जो यहाँ पे जो हो काम भी हो सकता है। जी हार्दिक, ये ऐसा मंजर है कि परिजन अपने बच्चों को इस तरह के प्ले स्कूल और इस तरह के गेमिंग जोन में बचने से सालों साल कतराएंगे। लेकिन ये बताइए, अभी कितने ऐसे लोग हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत के बारे में क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत क्रिटिकल भी हैं। अभी 7 से 8 लोग ऐसे हैं कि जो अभी अस्पताल में भर्ती है। कल यहाँ पे बात की जाए तो 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे, बात की जाए तो जिसमें से 70 लोग ऐसे थे कि जो टिकट खरीद करके यहाँ पे गेम जोन में जो खेलने के लिए आए थे। उसके अलावा 30 से ज़्यादा लोग स्टाफ के थे। कुल मिला के जिस वक्त यहाँ पे घटना हुई उस वक्त 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे, उसमें से 28 लोग ने जान गंवा दी है। काफ़ी लोग हैं जो अभी अस्पताल में भर्ती है। और बात की जाए तो राजकोट, हार्दिक ये बताइए कि ये जो 28 लोगों की मौत हुई है इसमें कितने बच्चे हैं? दस बच्चे हैं जिसने जान गंवा दी है। इसके अलावा जो है और लोग हैं, उसमें काफ़ी लोग जिसकी जान चली गई वो यहाँ पे जॉब भी करते थे, यहाँ पे ड्यूटी भी करते थे। काफ़ी लोग हैं वो आसपास के गांव से यहाँ पे आए थे। अभी छुट्टी का माहौल है, स्कूलों में भी छुट्टी है, तो इसलिए गेम जोन में जो लोग हैं वो दूर दूर से आते थे। ये गेम जोन पिछले 3 साल से चल रहा था, लेकिन यहाँ पे किसी ने जो NOC है वो RMC से नहीं ली गई थी, और वो सबसे बड़ी कमी जो सामने आई है। और यहाँ पे जो है अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और लोगों के पूछताछ भी चल रही है। जी हार्दिक, अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनमें कितने बच्चे मौजूद होंगे? हाँ चौकस पे अभी जो राजकोट की जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें 4 लोगों की अभी सारवार चल रही है, और 4 लोग हैं वो राजकोट के जो खानगी हॉस्पिटल है उसमें अभी वो सारवार ले रहे हैं। फिर यहाँ पे बात की जाए तो राजकोट में जो देर रात तक वो एम्बुलेंस की गूंज सुनाई थी। हार्दिक लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये अग्निकांड जिस तरीके से हुआ है जाहिर तौर पर रूह कपा देने वाला, दिल दहला देने वाला है, और ऐसे में हर कोई जिसने भी तस्वीरें देखी उसका दिल पसीज गया। वहीं सरकार ने अग्निकांड की जांच अपर पुलिस महानिदेशक सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय SIT को सौंपी है। देर रात SIT राजकोट के TRP गेमिंग जोन पहुंची, जहां से अहम सुराग जुटाए गए हैं, और ये सुराग जुटाने भी इसलिए बेहद जरूरी थे क्योंकि कमी कहां रह गई है, क्या जानबूझकर ये खामी छोड़ी गई है जो कि 28 जिंदगियों पर भारी पड़ गई, और न जाने कितनी ऐसी जिंदगियां अभी और भी हैं जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं, उन पर भी भारी पड़ेगी। क्या ये जानबूझकर की गई लापरवाही थी या फिर महज एक खामी भर? सीट जो बनाई है उसमें हमारे साथ डायरेक्टर FSL संघवी साहब, मैं, फायर के कुछ ऑफिसर्स, उन सबकी एक सीट है
जो अभी शुरू से काम करेगी, किस डिपार्टमेंट में क्या क्या किया गया है उसकी पूरी तहकीकात होगी।